राइड क्या हुआ? अब आफ्टर राइड एक्चुअली सिंपली हमने वो पार्क कर दिया स्पेस में लाके स्कूटर। नो वन वॉज बॉदर टू आस्क अबाउट आवर फीडबैक। तो मैं ये पॉजिटिव नोट पे ही बताना चाहूँगा इफ़ बीयू भंडारी इज़ लिसनिंग, कि आप मैंने टेस्ट राइड लेने के बाद नो वन एक्चुअली केम एंड आस्क कि कैसा था सर आपका एक्सपीरियंस, है फिर आपको कोई दूसरा स्कूटर चला के देखना है, वो कुछ भी नहीं पूछा वहाँ। लेकिन वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड अंकल थे ना, ही वॉज वेरी क्यूरियस। वो आया हमारे पास, उन्होंने स्कूटर को हमने ऐसे मतलब अलग डायरेक्शन में पार्क करके रखा था, उन्होंने वो सीधा करके लगाया। देन ही आस्क अस कि सर कैसा लगा आपको स्कूटर, कैसा था आपका एक्सपीरियंस। तो इवन जब मैं वीडियो निकाल रहा था या फिर फोटोज़ भी निकाल रहा था, तब भी वो जो अंकल थे उन्होंने हमें हेल्प की। उन्होंने बोला कि सर आप यहाँ से लो, इस एंगल से लो फोटोज़ ताकि अच्छे दिखेंगे कलर्स एंड ऑल दैट। तो ये मुझे लगता है ये सेंस जो है ना, ये मिसिंग है जो सेल्स गाइस थे वहाँ पे उनमें। तो ये मैं आई डोंट वॉन्ट टू क्रिटिसाइज देम, मैं जस्ट इनको एक फीडबैक दे रहा हूँ बिकॉज दे जस्ट हैव स्टार्टेड, तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी और मैं एक बात बताना चाहूँगा उनको कि बहुत सारे लोग मैंने वहाँ पे ऐसे देखे कि जो थोड़े ना अपने पापा की उम्र के थे, लाइक दे आर इन देयर 50s 60s, वो लोग ना वो लोग भी आके देख रहे थे स्कूटर, बट नो वन वॉज एंटरटेनिंग देम। मतलब आई वॉज शूटिंग इट। तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि मुझे एक दो अंकल ने आके पूछा कि ये फास्ट चार्जर है क्या, ये घर पे फिट होता है क्या? तो मैंने बोला नहीं नहीं अंकल, ये नहीं होता है, आप अंदर जाके देखो राइट हैंड साइड पे वो वाला मिलता है आपको घर पे बिठाने के लिए। तो आई वॉज टेलिंग देम कि क्या है एग्जैक्टली, कितना रेंज है, कितना फास्ट चार्ज हो रहा है, बट वहाँ पे उनको एंटरटेन करने के लिए कोई था ही नहीं, क्योंकि ना ये मेन कस्टमर बेस होना चाहिए ईवीज जो सेलर्स से हैं उनका। बिकॉज हम जैसे लोग तो आएंगे, मतलब यूट्यूब देख के आएंगे, इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे कहीं ना कहीं से, तो हमको वी डोंट केयर कि उनको क्या पता है वो लोग कितना बता रहे हैं। बट ये जो है, ये जो ऑडियंस है उनको अगर आप सेल्प कर पाओगे ना, देन यू आर एक्चुअली सर्विंग पीपल, और जब तब आप अच्छा सर्विस दे रहे हो, दैट इज़ अ बेंचमार्क फॉर यू। मैं बोलूँगा कि उन लोगों को आप अच्छे से एंटरटेन करो, उनको उनका आप कंफर्टेबल करो, तब वो लोग जाके स्कूटर को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो सबके लिए होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होना चाहिए उसमें। तो ये बात मुझे यहाँ पे हाईलाइट करनी है। अब मैं बताऊँगा आपको कि कुछ मेरे फाइनल वर्ड्स। एक बात हमेशा याद रखो ईवी स्कूटर के बारे में कि दे आर गुड बट नॉट मैच्योर इनफ। अभी टेक्नोलॉजी है बट दैट इज इवॉल्विंग, मार्केट है बट दैट इज इवॉल्विंग। बाकी उनके मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर स्टार्टअप्स, तो उनके वो डेट्स के पीछे भाग रही है कि इस दिन देना है डिलीवरी, इस दिन लॉन्च करना है, इस दिन ये फीचर डाल देना है। तो ये फीचर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो देर इज नो परफेक्ट स्कूटर, कहीं पे पैसा कम है तो रेंज कम है, कहीं पे पैसा ज़्यादा है तो रेंज प्रॉमिस ज़्यादा है, ऑन रोड कम है, कहीं पे रेंज प्रॉमिस कम है बट पैसा ज़्यादा है। तो बहुत 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 इश्यूज़ है ईवीज़ में, दे आर नॉट मैच्योर, दे आर गुड बट नॉट मैच्योर, फीचर कॉम्पिटिशन बहुत है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मेरे कुछ फाइनल वर्ड्स हैं आपके लिए कि बहुत बार क्या होता है, हम लोग जब कार खरीदने जाते हैं तो वी विजिट दी शोरूम, हम लोग ड्राइव लेते हैं या फिर पूरी फैमिली को लेते हैं, बिठाते हैं, सबसे पूछते हैं। बाइक में ये चीज़ होती नहीं है, जनरली एक बंदा जाके देखता है वो स्कूटर लेके आता है। ईवीज के केस में मैं आपको बोलूँगा या फिर किसी भी टू व्हीलर के केस में, ऑलवेज टेक योर फैमिली विथ यू। अगर घर में तीन लोग चलाने वाले या फिर पीछे बैठने वाला भी कोई है तो टेक देम विथ यू। हर एक बंदे को आप उसके कंफर्ट के हिसाब से, उसके ड्राइविंग यू नो कैरेक्टर के हिसाब से उसको ड्राइव करने दो आप स्कूटर, एंड देन यू टेक अ फाइनल डिसीजन। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना तब आपके समझ में आएगी, जैसे कि मैंने बोला कि साड़ी गार्ड इसमें है बट फुट रेस्ट अरेंजमेंट है नहीं, ठीक है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा स्कूटर का वेट जो है ना वो ज़्यादा है, तो हो सकता है कि अगर आपके घर में ऑलरेडी कोई लाइट वेट स्कूटर चला हो और उसको ये दे दे तो फिर उसको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब बहुत सारे ईवीज हैं मार्केट में जहाँ पे फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम है, तो वो भी डाउट्स ना आप सामने देख के आपके क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यू शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम अ टेस्ट ड्राइव, आप जाओ पूरी फैमिली के लेके जाओ और आप आपका स्टाइल फॉलो करो ड्राइविंग का, और उसी तरीके से आप टेस्ट ड्राइव लो। दूसरी बात ये कि यू आर ऑलरेडी पेइंग टू मच फॉर ईवीज। अभी आप अगर एथर का भी देखोगे तो यू आर पेइंग लाइक आप बहुत ज़्यादा पे करो एज़ कम्पेयर टू योर रेगुलर नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर्स, तो वाई यू आर शाइंग अवे फ्रॉम इट, राइट।
आप जाओ ये अश्योर करो कि जो आप पैसा डाल रहे हो उसको वैल्यू उतनी मिल रही है रिटर्न में, तभी आप स्कूटर बुक करो और तभी आप उसको परचेस करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। अगर कुछ मिस आउट हुआ हो और अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट लाइक, एंटर योर कमेंट्स एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एवरीवन।